कांग्रेस हाईकमान ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर बिखरा उतरेंगी। ये बात सदर कांग्रेस की प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने मंडी स्थित गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई बैठक में कही। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें सदर से प्रत्याशी बनाया है। मोदी सरकार ने गरीब लोगों का जीना हराम कर दिया है। जो आटा हम 20 रुपए और 30 रुपए खाते थे वो आज 50 और 60 और 100 रुपए किलो भी है। जो चावल हम 20 रुपए खाते थे वो आज चावल 60 रुपए किलो है। जो आलू हम 2 रुपए और 4 रुपए किलो खाते थे वो 40 रुपए किलो खाने पड़ रहे हैं। GST ने जो है लोगों के घर बनाने, घर तो गरीब लोगों ने भी बनाने हैं, अमीर लोगों ने भी बनाने हैं। गरीब लोग जो है 2 कमरे बनाएंगे और अमीर लोग जो है 2 मंजिला बनाएंगे। घर की ज़रूरत सबको है तो खाना सभी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं अमीर भी खाते हैं। गरीब 4 चीज़ें खाएंगे, अमीर जो है 10 चीज़ें खाएंगे। तो इस तरह से जो आज मोदी के नाम पे जो वोट मांगते थे, इस तरह से आज लोग जो है बहुत रुष्ट है मोदी जी से।